हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं तो कल आया था, छाउनों पर प्रोग्राम था इसलिए, तो आज अभी जा रहा हूँ घर। तो मेरे साथ है विवेक भाई, जा रहे हैं, और ये रहा एमके भाई। तो गाइस चलो चलते, और आज जो जाऊँगा बाइक से जाऊँगा, बर्वे का जो बाइक लेकर आया था उससे जाऊँगा, और छाउनों का मतलब फुल रोड दिखाऊँगा आज तुम लोगों को। वैसे हम लोग जब मॉन्स्टर को लेकर आए थे तब फुल रोड दिखा नहीं पाया, तो अभी फुल रोड दिखाऊंगा। तो चलो गाइस चलते हैं, और चलेंगे जाके मिलते हैं, और तुम लोग वीडियो बना रहे हो और देखते रहो छमुनो का रोड। तो गाइस ये रहा छमुनो टू स्टैंड। तो हम लोग अभी छमुनो से निकल रहे हैं, और सामने एक ब्रिज है, तो चलो आगे चलते हैं, और आप लोग वीडियो बना रहे हो और देखते रहो पूरा वीडियो। तो ये रहा सामने ब्रिज, तो देख लो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर रोड जो है ना मतलब इतना ख़राब है। यहाँ पर देख लो नीचे मतलब मिट्टी है, और रोड तो पूरा टूटा फूटा, मतलब एकदम अच्छा नहीं लगा मेरे को यहाँ का रोड। और मतलब कुछ कुछ जगह ऐसा है कि अच्छा अच्छा रोड है, पर कुछ कुछ ऐसा है कि मतलब थोड़ा बहुत अच्छा चलता है, मतलब चल जाता है, पर इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और ये जो है ये आमतली बाज़ार है, और सामने मतलब छमुनो का मेन जो होता है ना, यहाँ पर घुसने से ही बोलते हैं कि छमुनो आ गया है। तो ये रहा वो ही रोड, तो सामने ही है। हाँ, ये जो सामने घर दिख रहे हैं ये घर से शुरू होता है। तो हम लोग अभी छमुनो से पूरा निकल चुके हैं, ये रहा साइन बोर्ड। तो सामने जाते जाते बात करेंगे तुम लोगों के साथ। और यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधार है ना, देख लो, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हवा भी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और एक्चुअली ये छमुनो पे ना मतलब इस साइड पे बहुत ही ज़्यादा टर्निंग है, देख लो, ये देखो कितना ज़्यादा टर्निंग। ये रहा एक सामने और एक, ऐसे ऐसे करते बहुत ही ज़्यादा टर्निंग है बहुत सारा। और ये क्या डे चल रहा है, एक बार धूप आ रही है, एक बार पूरा मतलब ब्लैक हो रहा है, पता नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैजिकल डे था, तब पता नहीं मतलब क्या क्या होता थे, देख तुम लोग ने तो देखा ही वीडियो पे, एक बार रेन आ जाता था, एक बार धूप आ जाता था मतलब। और ये देखो मैंने जो बोला टर्निंग के बाद, ये देखो टर्निंग देख रहे हो कैसे कैसे खतरनाक टर्निंग है इस पे, मतलब अगर तुम लोग स्पीड ज़्यादा दे दोगे ना तो एक्सीडेंट हो ही गा, मतलब कॉन्फर्म एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मतलब जितने अच्छा राइडर हो फिर भी होता रहता है एक्सीडेंट, क्योंकि टर्निंग पे स्लो करना ज़रूरी है, और एक्चुअली हेलमेट ग्लव्स वगैरह वगैरह पहनना ज़रूरी है। एक्चुअली अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं है, जो था वो तो ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया, तो लेने वाला हूँ एक ग्लव्स। और ये रहा सामने एक छोटा मोटा घर, सॉरी दुकान, घर नहीं। तो ये देखो टर्निंग देख रहे हो कितना ख़तरनाक ख़तरनाक टर्निंग है यहाँ पर। और रास्ता की आसपास पे छोटा छोटा दुकान भी है, और सामने एक मंदिर है, मंदिर की दाई तरफ है मानिकपुर का रोड। तो ये देखो ये जो दाई तरफ जो देख रहे हैं ये मानिकपुर का रोड है। तो हम लोग अभी इसको पार करके आ चुके हैं, तो अभी सामने चलते हैं। तो चलो गाइस सामने जाके मिलते हैं। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, होए होए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। उए 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 उए
खुश हो गए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना काहे हम से नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ही हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात करना इनकार बार बार देना साथ तो गाइस मैंने जो बोला कुछ कुछ रास्ते ऐसे जगह है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है ये देखो पूरा टूटा फूटा है ये जो रोड है मतलब यहाँ पर बहुत ही रिक्स है और बहुत ज़्यादा स्लिप मरता है यहाँ पर तो इसलिए सब राइडर को बोलता हूँ कि यहाँ पर आके स्लो चलाओ ये ख़तरनाक रोड है यार मतलब कब क्या हो जाता है कुछ भी पता नहीं और यहाँ पर काम चल रहा है रास्ते का न्यू रोड होने वाला है न्यू रोड होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और पहले पहले जो था ना शामुन का रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था बहुत ज़्यादा ख़राब था अभी तो बहुत ही ज़्यादा ठीक हो चुका है तो इसलिए मतलब राइडिंग करने में भी मज़ा आता है साइकिल लेके आओ गाड़ी लेके आओ या फिर बाइक लेके आओ जो भी हो राइडिंग करने में मज़ा आता है पर कुछ कुछ रोड है मैं फिर से बोल रहा हूँ कुछ कुछ रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर प्लीज़ सब लोग स्लो करके चलाना सेफ ड्राइव सेफ लाइफ तो चलो गाइस सब में जाके मिलते हैं सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़ना नी आनी तेरी याद हर दफा कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरे साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं सजना जी मैनू छड़ के नी जाना बिना तेरे मैनू मिल भी सजा आए सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे सजा
तो गाइस हम लोग यहाँ पर आके रुके, जगह का नाम क्या है भाई आका? बागचोरा पर रुके हम लोग, थोड़ा मतलब रेस्ट करेंगे। और ये रहा एमके भाई, मतलब रेस्ट किया, थोड़ा फोटोशूट करेंगे वगैरह वगैरह। तो वीडियो बन रहा हो गाइस, और देखते रहो और एंजॉय करते रहो आज के वीडियो। तो गाइस आज मैं छामुनुक टू छलिंगटा का फुल रोड दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं बनाया अभी तक फुल रोड का वीडियो। और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते है, तो गाइस तुम लोग का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तो तुम लोग दे रहे हो पर ज़्यादा नहीं दे रहे हो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरा 600 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए, और ज़्यादा नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, 600 कंप्लीट करा दो जल्दी गाइस। इसके बाद और एक नेक्स्ट टारगेट रखूँगा, वो भी मेरे को लगता है तुम लोग करा दोगे, क्योंकि तुम लोग का सपोर्ट मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यार। तुम लोग का एक लाइक एक कमेंट से मतलब मेरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं। तो गाइस तुम लोग सपोर्ट करना। और गाइस तुम लोग अभी तक जो जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग को मतलब थैंक यू सो मच गाइस। तुम लोग फुल वीडियो देखो, और देखने के बाद कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरा जो ओल्ड वीडियो है वो भी कैसा लगता है बताना। और देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा मिट्टी है, यहाँ पर कोई स्पीड से आया तो गया, गिर जाएगा डायरेक्ट स्लिप मर के। तो गाइस वीडियो पे बने रहो, तो चलो सामने जाके मिलते हैं। तो गाइस सामने टी गार्डन, ये रहा इसका फुल वीडियो है मेरा चैनल पे। जो जो नहीं देखा ये वाला वीडियो जाके देख लो, मेरा चैनल पे है। और ये जो टी गार्डन है ना, इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ही बड़ा टी गार्डन है। तो एक्चुअली ये जो टी गार्डन है इससे हम लोग का जो टी बनता है तो यही है। यहाँ पर एक है, और एक तो क्लस्टर पर भी है और आसाम पर भी है। और एक्चुअली यहाँ पर पिकनिक वगैरह वगैरह खाना है तो आके खा सकते हो, ये पिकनिक स्पॉट भी है। और यहाँ पर फोटोशूट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो जो बनाते हैं ना, डांसिंग वीडियो या पर जो भी बोलो शूटिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है ये वाला। तो चलो धीरे धीरे करके चलते हैं सामने। और मैं बाइक बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्पीड चलाना अच्छा नहीं लगता स्पीड पे, तो मीडियम ही चलाता हूँ मैं। तो चलो गाइस चलते हैं सामने। Oh,
तो गाइस हम लोग छमनू से सोलंकटा आ ही चुके हैं। ये आप है, इसके बाद इंडस्ट्री है। तो चलो गाइस आपको उठते हैं और इसके बाद दिखाते हैं इंडस्ट्री यहाँ पर सोलंकटा का, जो ईट पट्टा बोलते हैं इसको। तो देखो ये जो गाय दिख रहे हैं उस लोगों का ही है। तो सामने चलते, मतलब ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ा है, तो देखना अभी देखना। ये देखो दिख रहा होगा, ये रहा देख लो। और यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर फ़ोटोशूट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एक्चुअली। जिसको फ़ोटोशूट करना है तो आ सकते हो यहाँ पर छलंगटा। छलंगटा से ज़्यादा दूर नहीं है, छलंगटा जो काली मंदिर है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके सामने फायर सर्विस है, तो इंडस्ट्री तुम लोग ने देख लिया, सामने कुछ दूर जाते ही एक फायर सर्विस है। तो इसके बाद ब्रिज है, तो वही छलंगटा का ब्रिज है। तो इसके बाद ही है काली मंदिर, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग सामनों से जा रहे हो छलंगटा तो, और अगर उल्टा आ रहे हो तो, मतलब छलंगटा से आ रहे हो तो उल्टा समझ लेना। तो सामने है फायर सर्विस। तो चलो बस चलते हैं, डायरेक्ट जगह मिलते हैं ब्रिज पे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं छलंगटा पे। तो ये रहा भाई लोग और ये रहा बाइक। तो गाइस तुम लोग ने देख लिया छमनू का व्यू, और मतलब आज का व्यू जो है ना बहुत ही अच्छा है, और स्काई पे भी क्लाउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो तुम लोग भी बताना कैसा लगा तुम लोग को। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।